नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रेस रिपोर्टर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इसमें हम हर रोज अपने नए जुड़ने वाले एटीवी के साथ में जो पत्रकार जुड़ते हैं उनको हम जनता से रूबरू करवाते हैं, उनके शहर से रूबरू करवाते हैं, अधिकारियों से रूबरू करवाते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि तमाम जो है पत्रकार जुड़ने के बाद में उनका चेहरा ही टीवी स्क्रीन पर नहीं दिख पाता है, न तो उनको जनता जान पाती है और ना ही अधिकारी कि कौन पत्रकार है, कौन ब्यूरो चीफ है। ऐसे में तमाम लोग आईडी बना करके घूमते रहते हैं और चैनलों के या फिर मीडिया संस्थानों के नाम से ठगी करते हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ के जो है आशीष गुप्ता जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त मौजूद हैं और चैनल में भी जुड़ चुके हैं। आशीष गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी। अभी तक का जो आपका अनुभव रहा है वो कैसा रहा, जनता को आप ये बताएं, आप अपने शहर के वासियों को ये बताएं। और स्क्रीन आप लेके जा रहे हो, एटीवी आप लेके लखनऊ में जा रहे हैं और आप आ चुके हैं, तो पहले तो आप अपना जो है जहां से आपने शुरुआत की और अभी तक का जो अनुभव रहा है, जो सफर आपका पत्रकारिता का रहा है, वो आप जो है हमारे दर्शकों के साथ, हमारे पत्रकारों के साथ और अपने आप मित्र और प्रशंसकों के साथ में शेयर करें। जी जी, सफर मेरा बहुत ही सिंपल सा रहा है। मैं स्टार्टिंग तो हमारी एक छोटे से बिजनेस से हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सोचते थे, लोगों को देखते थे, लोगों की परेशानियां देखते थे जो कि किसी से आगे कह भी नहीं सकते थे वो लोग। अपनी कोई भी प्रॉब्लम है लोगों का जाना पूरी। आपकी आईडी कम आ पा रही, आपकी आईडी स्क्रीन पर नहीं दिख पा रही है जी। आशीष गुप्ता, मुझे लोगों को देखते थे तो मुझे लगता था कि ऐसा किया जाए जिससे इनकी परेशानियां आगे सभी के लोगों की जानकारी में जाएं, पब्लिक जाने तो कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या उनकी सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे। तो मुझे लगा कि इसके लिए मुझे पत्रकारिता में ही आगे बढ़ना पड़ेगा, वही एक ऐसा रास्ता है जिससे लोगों की परेशानियाँ हम सबको दे सकते हैं, बता सकते हैं पब्लिक को। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मेरे एक फ्रेंड थे उनके साथ मैं जुड़ा, एक चैनल ही था उनका पर, उसमें जुड़ा, उसके साथ करता रहा। तो थोड़ा बहुत चलता रहा ऐसे ही, लोगों की प्रॉब्लम लोग देखते रहे लोगों के पास। लेकिन फिर समय ऐसा आया कि लगा कि कुछ मार्केट में पत्रकार भी ऐसे जुड़े हुए हैं जो लोग सब अच्छे से परेशानियां लोगों के नहीं सामने सो करते हैं, सुनाते हैं। मैंने बीच में होल्ड कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर अभी जब एटीवी से जुड़ा तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा सही जगह है जहाँ से हम लोगों की परेशानियाँ सबके पास पहुँचा सकते हैं, पब्लिक तक जा सकते हैं। तो एटीवी से जुड़ा हुआ हूँ, कोशिश तो पूरी यही रहती है कि लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो पत्रकारों को आती है फील्ड में वो क्या समस्याएं आती हैं, ये भी एक बड़ी चीज़ है आज के दौर में। क्योंकि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तो तमाम बन गए हैं, हर शहर में, हर गली में, हर जगह बन गए हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविक में परेशानियां, क्या परेशानियां आती हैं उनको फील्ड में, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि उनको फील्ड में संसाधनों को लेकर के क्या परेशानियां हैं और कैसे आप देखते हैं फील्ड में। तो ये है कि जैसे जाते हैं हम लोग तो परेशानियां अगर अपनी पर्सनल देखी जाए क्या होती है कि अगर किसी के कोई प्रॉब्लम के लिए हम लोग गए अगर कवरेज करने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं कि उसमें आपत्ति भी करने लगते हैं। जैसे किसी गांव हम लोग जाते हैं कि गांव में नालियां किसी के ऐसे गंदगी पड़ी हुई है, साफ सफाई नहीं है, जाते हैं तो वहाँ के जैसे कुछ प्रधान हैं या कुछ हैं वो लोग आपत्ति करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े तक आ जाते हैं कि क्यों आप आए हैं, किस लिए आए हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मारपीट भी हो जाती है पत्रकार से, तो अब उस जगह पर सोचना पड़ता है कि हम तो आए हैं किसी की अच्छाई के लिए। लेकिन उन जगहों पर जैसे आप जहां पर हमारे पत्रकार जाते हैं यहीं पर तो कमियां देखने को मिलती हैं। जैसे पत्रकार गया, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो प्रधान आया, मारपीट की और उसने वो रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी। लेकिन अब जैसे आप इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़े हैं, लाइव आप कर रहे हैं, तो कैमरामैन अगर थोड़ा सतर्क रहे, क्योंकि अगर आया तो प्रधान का चेहरा दिखा दिया, कल को जो क्लिप है वो हमारे चैनल के पास सेव रहती है। कल को ये तो नहीं है कि मोबाइल वाले फोड़ दे, कुछ भी कर दे, लेकिन कम से कम ये है कि जो क्लिप है वो चैनल के पास सुरक्षित है। फिर ऐसे में पत्रकार अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर सकता है, अगर वो चाहे तो अदालत तक जा सकता है। आपको पता है पत्रकार के साथ अभद्रता या मारपीट कवरेज के दौरान अगर कुछ करता है तो 50,000 का जुर्माना भी है और जेल भी है साथ में।
तो आप ऐसे में कैसे देखते हैं कि ये जो है मीडिया में जो संसाधनों की कमी है, क्या वो उनका दोष नहीं है? क्योंकि पत्रकार तो कवरेज कर रहा है, लेकिन अगर वो लाइव वही कवरेज, अगर ये बार बार परेशानी आ रही है और लाइव कवरेज की व्यवस्थाएं अगर उसके पास हैं, ग्राउंड जीरो से खबर लेने की व्यवस्थाएं हैं, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में कर रहा है या ऐसी जगह जहां पर उसके साथ में खतरा है, तो वो लाइव अगर सीधा दिख रहा है तो एक तो उसके मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, वो सीधा इधर रिकॉर्ड हो रहा है, चल रहा है, क्लिप चैनल के पास सुरक्षित है कि हमारे पत्रकार के साथ हमला हुआ या मारपीट की, उसने कुछ अपशब्द या अभद्रता भी कर रहा है, तो वो एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, मोबाइल को कुछ भी वो कर दे, कैमरा के साथ में कुछ भी कर दे, लेकिन यहाँ पर तो सेफ रहेगा। ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि क्या ऐसे संस्थान की वास्तविक में पत्रकारों के लिए हित में है, या फिर जो छोटे छोटे संस्थान है जो संसाधन है ही नहीं उनके पास, तो उनके साथ जो गलत हो रहा है तो वो साबित ही नहीं कर पाते? जी, संसाधन तो सारे होने चाहिए, ऐसी जगहों पर तो बहुत ही मत है कि जहाँ पर लड़ाई झगड़े की बात आती है तो वहाँ पर तो लाइव के सारे संसाधन होने चाहिए कि हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हम सामने जनता देख रही है, लाइव चल रहा है, हमारे पास सारी डिटेल्स रहती हैं उससे। और जब ये चीज़ें नहीं होती हैं पत्रकारों के पास तो प्रॉब्लम आती है कि हम फिर क्या करें, क्योंकि वहाँ से तुरंत डिलीट करवा दिया या वो लोग मोबाइल तोड़ देते हैं तो प्रूफ नहीं रह जाता, और इसीलिए संसाधन बहुत जरूरी हैं सारे। अगर ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ लगता है कि कुछ भी गलत हो सकता है हमारे साथ भी, तो वहाँ पर तो ये सारे संसाधन लेके जाने चाहिए कि लाइव रहेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, हर जगह हमारे पास रिकॉर्डेड रहेगा। एटीवी में कैसा लग रहा है कि आज आप जो है जुड़े हैं और आप संसाधन भी देख पा रहे हैं कि चीजें हैं, तो उनको लेकर भी आप पत्रकारों के साथ में क्या आप जो है कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, लंबी बात आम लोगों की चलेगी, लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे कि इन चीजों के लिए अधिकारी भी डरेगा, क्योंकि अधिकारी अगर एक बार जो है अगर कोई ऐसा लग रहा है कि अधिकारी हमारे साथ बदतमीजी कर सकता है, कुछ कर सकता है, लाइव चलाओ, गड़बड़ी नहीं कर सकता, गड़बड़ करेगा पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ नहीं है कुछ, ये सब कुछ वहां से कंट्रोल हो रहा है, तो हम यहाँ कुछ करेंगे तो हमारी सारी हरकत वहां रिकॉर्ड होगी और चलाई जाएगी बाकायदा। तो इसमें क्या डर नहीं लगेगा पत्रकार से? वो डरेगा, सही का ही सही करेगा, जो गलत है वो गलत उसको बोलेगा। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि रिकॉर्डिंग बेहतर है आज के दौर में जब लाइव चीजें हैं, तो ऐसे संस्थानों में जो है लोग जुड़े? जी हाँ बिल्कुल, ऐसी जगह पर बिल्कुल जुड़ना चाहिए जिस जगह पर सारे संसाधन की व्यवस्था है, सब कुछ हमें मिल रहा है, तो हमारे हमारे अंदर से डर निकल जाता है, तो डर ना डर निकल जाता है। ये तो एक समस्या हुई जिसको लेकर के हम लोगों ने चर्चा की। आगे जो है जो जनता को परेशानी आती है उनको लेकर के पत्रकारिता में क्या बदलाव होने चाहिए, आप कैसे देखते हैं कि क्या किस तरह से उनके समाचार चलाए जाएं, किस तरह से अधिकारी जोड़े जाएं कि उनके बीच में तालमेल बिठाया जा सके, समस्याएं कम हो, अपराध कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, इन चीजों पर पत्रकारों की कहां पर कमियां हैं, कहां पर खामियां हैं और कैसे बेहतर किया जा सकता है? जी नहीं, अगर देखें तो आजकल नॉर्मल से कोई भी पत्रकार आईडी बनाकर अपना एक यूट्यूब पे बनाकर चैनल करने लगते हैं पत्रकार से, लेकिन वो बदनाम भी पत्रकारों को देखकर भी अच्छे जो पत्रकार हैं वो ही बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि वो करते क्या हैं, वो तो बना लिया उन्होंने चैनल अपना, करने लगे एक माइक आईडी लेकर और हर जगह जाकर लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियों को सामने ला नहीं रहे हैं, उल्टा उनसे वसूली कर रहे हैं, दलाली शुरू हो जाती है पत्रकारिता के नाम पे। तो वही होता है कि तालाब में एक मछली गंदी है तो सबको गंदा कहा जाता है। बिल्कुल, सभी धूमिल कुछ लोग करते हैं लेकिन वो सारे पत्रकार फिर पैसे ही ले लिए जाते हैं कि ये तो बस वही वाले पत्रकार आए हैं। तो ऐसे में जो चीजें समाज में हो रही हैं, कानून हमारे जो है वो फिर कमजोर पड़ जाते हैं, जो कानून पत्रकारों के लिए बने हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक होते हैं। जी भाई, जनता भी परेशान हो जाती है ना कि देखती है ऐसे लोग हैं, तो फिर कोई अच्छा भी पत्रकार सामने जाता है उनकी परेशानियों को पब्लिक के सामने लाने के लिए, तो उनको भी उसी नजर से देखती है, तो इसी जगह इसी वजह से मारपीट होती है ज्यादातर। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं वो तो लगातार जो है योगी आदित्यनाथ जी पत्रकारों के हित में भी कर रहे हैं और बहुत बेहतर कर रहे हैं, अभी आवास योजना में छूट देने जा रहे हैं, कानूनों पर जो है बहुत ज्यादा कड़े बनाए उन्होंने कानून, तो पत्रकारों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन जो पत्रकार कर रहे हैं उनको भी अपना जो पुराना बिजनेस है वो छोड़ना पड़ेगा ब्लैकमेलिंग का या इन चीजों का। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इस समय तो जब से सरकार चेंज हुई है तो पत्रकारों के बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सी चीजें नई नई निकाली गई है पत्रकारों की स्कीमें दी गई, इसी वजह से थोड़ा पत्रकार भी अब एक्टिव हो रहे हैं और ज्यादा, जो शांत रहते थे थोड़ा कि अब कहीं जाए क्या होगा कुछ, तो इस वजह से अब तो इस सरकार में तो एक्टिव है, अब डर नहीं रह गया ज्यादा।
बाकी संसाधन अपने पास सारे होते हैं तो डर नहीं रहता है कि हम कहीं किसी भी तरह से भी भिड़ सकते हैं, कहीं कैसा भी एरिया हो, कैसे भी लोग हो, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम जा सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हम सामने पब्लिक ला सकते हैं। क्या कोई परेशान कर रहा है कहीं पर, एक से एक आजकल मान के चलिए हर तरह से लोग परेशान है, खनन को भी लेके लोग परेशान रहते हैं। मान लिया किसी की खेती है तो खनन कहीं और होना है, लेकिन बगल में बेचारा किसान है, रात में उसकी भी जबरदस्ती खेती सब खनन करके लेके चले गए मिट्टी, तो वो भी बेचारा परेशान। के पास जो दबंग है वो लोग दबाव बनाते हैं, तो इस जगह पे हम लोगों की जरूरत बहुत होती है, तो हम वहाँ पर जा सकते हैं, अगर हमारे पास सारे संसाधन है तो हम चढ़ सकते हैं उनके ऊपर कि आप गलत कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत जरूरी, और इस सरकार में तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं, काफ़ी पत्रकारों की अच्छा हुआ है। बिल्कुल, वर्तमान समय में जैसे किसानों की अगर हम दशा देखें तो दशा और दुर्दशा अगर देखनी है किसानों की, तो केवल सड़कों से बातचीत नहीं होनी चाहिए, सदन के गलियारों से बातचीत नहीं होनी चाहिए, खेतों में जाकर के भी पत्रकार वहां से भी रिपोर्टिंग कर सकता है और उनके इस समय की दशा दुर्दशा चीजें दिखा सकता है कि इतनी ठंडी में वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जैसे गन्ने की खेती है या तमाम खेती, उसमें सरकार क्या कर पा रही है, क्या उनका जो बीमा योजना जो सरकारें लॉन्च कर रही है, जैसे सरकारी योजनाएं गैर सरकारी योजनाएं, क्या वो उन लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, तो इन चीजों के लिए क्या हमें सड़क से क्या हमें अपने जो है हाथ पैर उस मिट्टी में नहीं जो है लेतने पड़ेंगे, कहते हैं कि गंदे तो करने पड़ेंगे, अगर कीचड़ साफ करना है तो हमें कीचड़ में उतरना तो पड़ेगा, लेकिन वो कीचड़ नहीं है, हमें उस मिट्टी से ही हम लोग निकले हैं, तो मिट्टी में उतरने की आवश्यकता है क्या पत्रकारों को, क्यों उनकी तकलीफ देखें, क्या आपने बीमा क्यों नहीं करवाया, क्या हमको सरकारी योजनाएं गैर सरकारी योजनाएं क्या धरातल पर उतर के उनके पूछनी चाहिए या नहीं, और कितने पत्रकार आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जा रहे हैं उनके पास? जी नहीं, जाना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम किसान से जब जमीन से जुड़ के हमेशा जमीन ही लोग रहे हैं, हम लोग जमीन से ही हमेशा जुड़ना चाहिए, और जाने में किसान के पास कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किसान ही ऐसा है जो पैदावार करता है, उसी की पैदावार से ही हम लोग खाते हैं, जिंदा रहते हैं, तरह से देखा जाए। अगर किसान कुछ नहीं करेगा, किसान के लिए अच्छा नहीं होगा, तो हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, जब वो पैदावार नहीं करेगा तो हम लोग क्या खाएंगे, तो इसलिए किसानों के प्रॉब्लम तो हमें देखनी ही है उनके पास जाते हैं, और अगर हम उसके लिए हमें अगर खेतों में जाना पड़े, मिट्टी में भी पैर रखने पड़े, तो उसमें कोई हमको नहीं लगता कुछ गलत बात, और किसानों से तो उनकी प्रॉब्लम पूछनी चाहिए कि भाई आपको सरकारी सुविधाएं मिल रही कि नहीं, जो भी आपके खेतों पे लोन आपको दिया जाता है, सरकार दे रही है बिना ब्याज के भी अगर दे रही है, तो आपको सुविधाएं मिली कि नहीं मिली, ये तो हमें जाना ही पड़ेगा उनसे, हो सके कोशिश करना पड़ेगा कि उनको वो सारी गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें निकल रही हैं वो सारी स्कीमें उनको मिलें, कोशिश तो ये हमें भी करनी पड़ेगी, और जो परेशान किसान है उसकी तो आवाज़ तो थोड़ा उठानी ही पड़ेगी, जब आगे लोग सुने क्या परेशान है किसान, खेती में क्या प्रॉब्लम है, जानना ही पड़ेगा जाने। बिल्कुल, हमें राज्य की और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका पता लगाना है, तो हमें किसानों के बीच भी उतरना पड़ेगा, मजदूरों के बीच भी उतरना पड़ेगा, और महिलाओं के बीच भी जाना पड़ेगा, बच्चों के बीच भी जाना पड़ेगा। क्या आज के दौर में आप देखते हैं कि जैसे महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और वो सुविधाएं मिली हैं या नहीं, उसको क्या कभी कोई पत्रकार जाता है, जाना वैसे चाहिए या नहीं, क्योंकि योजनाएं तो तभी पता चलेंगी, प्रधान से पूछेंगे वो तो कहेगा सब बढ़िया चल रहा, नगर पालिका चेयरमैन से कहेंगे जी बहुत बढ़िया चल रहा है, विधायक जी से पूछेंगे तो बहुत बढ़िया, तो विधायक के पास क्या जाने की जरूरत है, वो पीड़ित है उनके पास जाने की आवश्यकता है, जो आम आदमी है उनके पास जाने की आवश्यकता है, या फिर इनके लोगों प्रतिनिधियों के पास जाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिनिधि तो हमेशा हमें गुमराह ही करेंगे, अधिकारी और प्रतिनिधि, हमें उनके पास जाने की जरूरत है, या आज के दौर में आम आदमी हम उनसे कितना दूर है, और इन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के कितना पास है, आप कैसे देखते हैं? हमें तो हमारे हिसाब से तो विधायक और जो भी उनके प्रतिनिधि हैं उनके पास जाना जरूरी नहीं है, हमें तो जाना चाहिए आम इंसानों के पास, जो भी जनता है कि उनको सुविधाएं मिली कि नहीं मिली। अब से कोटेदार होते हैं, राशन बांट रहे हैं, लेकिन उसमें भी दलाली धांधली होती है। अब धांधली में मालिक किसी का भी हम लोग यहाँ देखते हैं ज़्यादातर कि फिंगर लगाकर ही अब राशन दिया जाता है, तो फिंगर ही नहीं लग रहा है लोगों का, तो उसमें गलती किसकी है? पब्लिक की गलती थोड़ी है, जनता की थोड़ी गलती है, पीड़ित है वो तो उसको तो राशन चाहिए, अब फिंगर नहीं लग रहा है उसकी गलती तो होते जाती है, अगर आपके मशीन में प्रॉब्लम है या आप कुछ गलत कर रहे हो उनके साथ, इसलिए नहीं लग रहा है, तो राशन तो आपको देना ही पड़ेगा, उनका कार्ड है, लेकिन उसमें भी क्या करते हैं, कोटेदार देते ही नहीं है, कहते हैं आपकी फिंगर नहीं लग रही आपको नहीं मिलेगा राशन, तो ये गलत है, नहीं भी लग रही है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ दोनों पक्ष हैं, कहीं ना कहीं वो भी पीड़ित भी है,
अगर वो नीचे नहीं दे रहे हैं तो वो ऊपर तो दे ही रहे हैं, क्योंकि हाँ एक जगह दे रहे हैं, माल तो हर जगह जो है काटा जा रहा है, लोग मलाई तो हर जगह खा रहे हैं। जब बात आईएएस आईपीएस की आती है तो आईएएस आईपीएस समाज की तो क्रीम है ही, लेकिन क्रीम नहीं, नेताओं ने उनको आइसक्रीम बना लिया है, आइसक्रीम चाट रहे हैं बना के उनको, तो क्रीम कहाँ रह गए। तो वही हाल जो है कोटेदारों का है, वो हमारे समाज के लिए क्रीम है, उनका काम है काम करना, लेकिन वो क्रीम नहीं है, ऊपर अधिकारियों के लिए आइसक्रीम की तरह है, ये लोग उनको चाट रहे हैं अधिकारी। हाँ हाँ तो ऐसे में अधिकारियों को भी सुधारने की जरूरत है, वो तभी सुधरेंगे जब कोटेदार के लिए भी लोग लड़ें, उसके पक्ष में भी हम लोग बोलें कि इनसे जो लड़ने वाले लोग हैं, जो अधिकारी हैं वहां, उनसे भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोटेदार अगर अकेला आवाज उठाएगा तो आपको नहीं लगता है कि उसके खिलाफ अधिकारी कार्यवाही कर देगा, क्योंकि यही तो चल रहा है, अधिकारी तो उठा ही नहीं सकता। तो मैं जो जड़ है उस पर प्रहार क्या जनता को करना चाहिए, नहीं जनता या विपक्ष जानता है, लेकिन वो प्रहार क्यों नहीं करना चाहता, उसको तो कम से कम इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए। वो तो जान रहा है ना कहाँ से ये सब चल रहा है, संचलित हो रहा है, वो भी केवल एक ही पक्ष के खिलाफ, वो खुद पीड़ित है, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर दूसरा पीड़ित है तो वो भी तो पीड़ित है उतना ही, वो उसका भी तो उत्पीड़न हो रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, और विपक्ष को भी तो आवाज उठानी चाहिए, बात सही है, क्योंकि अकेले आम इंसान कुछ नहीं कर सकता है, कुछ तो ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी कुछ सोचना पड़ेगा, और जिसकी सरकार में हो रहा है तो वो तो चाहेगा कि क्यों तो हो, लेकिन विपक्ष की पार्टियां जो होती हैं, विपक्षी जो होते हैं उनको तो बोलना ही पड़ेगा, वो आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा जनता भी उनके साथ में सपोर्ट में रहेगी, बढ़ेगी तभी कुछ आगे हो सकता है। मेरे हिसाब से ऐसे तो अकेले आम इंसान कुछ नहीं कर सकता है। अब आप देखिए जब तक सत्ता के पक्ष में, जब तक सत्ता में रहती हैं पार्टियां, तब तक उनको बालू माफिया, खनन माफिया, मीडिया माफिया, दुनिया भर के सारे माफिया उनको दिख जाते हैं, शिक्षा माफिया, मतलब पता नहीं कौन कौन से माफिया पैदा कर देते हैं जिनके नाम भी नहीं हम लोगों ने सुने होते हैं। लेकिन जैसे ये लोग पार्टियां विपक्ष में आती हैं तो ये माफिया और जो पक्ष में चली जाती हैं, जो सत्ता में चली जाती हैं, वो माफिया सारे आय के स्रोत बन जाते हैं, संसाधन बन जाते हैं, कमाई का जरिया बन जाते हैं। लेकिन जो विपक्ष में है, जैसे जब विपक्ष को पता है कि खनन यहाँ हो रहा है तो क्या विपक्ष को कभी धरना प्रदर्शन करते देखा आपने? नहीं करने जाता है, क्योंकि पैसा पहुंच रहा है दोनों को, बराबरी पहुंच रहा है, अधिकारियों को जितना मिल रहा है उतना, उससे ज्यादा तो उनको विपक्ष को मिल रहा है, तो विपक्ष आवाज उठाएगा, लेकिन कहां से? तहसील जाके ज्ञापन देगा, धरना देगा। अरे भाई धरना करना है तो जहां काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है वहां धरना देना चाहिए या तहसीलदार के ऑफिस के बाहर धरना देना चाहिए? आपको क्या लगता है? जहां पर घटना स्थल है वहां पर विपक्ष के कार्यों की जिम्मेदारी है, और ये पत्रकार का काम है कि उसका याद दिलाए, तो पत्रकार भी उसका काम याद नहीं दिला पाते हैं, ना जनता को ये बता पाने में सक्षम है, ना समझा पाने में कि काम कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो भी समझते हैं कि काम तो कर ही रहे हमारे लिए, लेकिन काम करने का क्या फायदा कि अगर काम ही ना हो। नहीं, ये तो बात सही है, क्योंकि पत्रकार तो कोशिश करता है कि आवाज हम अपने जरिए ऊपर तक जो लोग बैठे हैं उनका उन तक जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, उनकी आवाज पहुंचाएं, लेकिन उसमें थोड़ा जब सपोर्ट बच्चों का भी मिल जाता है कि उनको भी आना चाहिए, कि अगर हम पत्रकार कोई चीज़ सामने ला रहा है तो उनको तो मालूम हो ही नहीं है कि ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तो आना चाहिए थोड़ा, वो भी जब आगे आएंगे और कुछ हम लोग भी आगे कोशिश करेंगे तभी आगे कार्य हो सकते हैं, लोगों की परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। ऐसे तो कभी ये नहीं कि एक ही एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, तो वही कहावत है कि जब दोनों हाथ ही लगाने पड़ेंगे तभी कुछ होता है, तो पत्रकार भी आगे बढ़ेगा, कुछ पक्षी जो हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कोशिश जो है करनी पड़ेगी तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश से पत्रकारों को जो है वो बेहतर अपना रोल जो है प्ले करना पड़ेगा जनता के बीच में जाकर के। और हमारे साथ और कोई अपील आप करना चाहेंगे लखनऊ वासियों से, क्योंकि लखनऊ के लिए खुशखबरी भी है कि आप अब आगे आने वाले समय में बड़ी मेहनत करने जा रहे हैं, वहाँ के लोगों की तकलीफ भी आप सुनने जा रहे हैं, और उनकी आवाज जो है आप बनेंगे, ये तो उनको विश्वास होगा जब आप जो है वहाँ की खबरें चलाएंगे, वहाँ की समस्याएं दिखाएंगे, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे लखनऊ के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से? जी तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी लखनऊ वासी हैं, उत्तर प्रदेश के जो भी रहने वाले, जो भी पब्लिक जनता जो भी हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी परेशानी है, तो हम लोगों से कह सकते हैं, और चाहें तो हमारे साथ मिलकर अपनी परेशानियां लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और इनके पास कोई ऐसा
साधन नहीं है कि किसी जरिए ऊपर पहुंचना चाहते हैं या अपनी परेशानियां लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ परमानेंट जुड़ जाएं और साथ में ही रहें और जनता की परेशानियां तक पहुंचाएं। हम लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा जी। बिल्कुल, आपके लखनऊ में अब जो है लखनऊ से ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी दी गई है आशीष गुप्ता जी को। वरिष्ठ पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं और जज्बा भी है कि लोगों की समस्याएं कम हों, लोगों की तकलीफें कम हों, इसके लिए वो जो है वचनबद्ध भी है और प्रयासरत भी। तो आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि लोगों तक पहुंचेगा तो शायद किसी की मदद हो पाए। अगर आप पीड़ित हैं, आपकी कोई तकलीफ, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, नेता नहीं सुन रहे हैं, प्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं, तो आप हमारे चैनल में जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं, आप अपनी समस्या बता सकते हैं और आपकी समस्याओं को मेरा प्रयास रहेगा कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपको उससे निजात मिले और जल्द से जल्द आपको इंसाफ मिले। तो आप देख रहे थे प्रेस रिपोर्टर, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल।